हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी का रायता। बूंदी का रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पे 50 ग्राम बूंदी ले ली है। और ये जो बूंदी है, अगर हम कप से नापे तो 1 कप बूंदी है। और अब हम इसको भिगा लेंगे। इसको भिगाने के लिए हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। इसको चम्मच से हम थोड़ा सा घुमा देंगे और इसको हम ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमने 500 ग्राम दही ले ली है। दही को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब जब तक हमारी बूंदी फूल रही है, हम जो ये हमने दही लिया है इसको हम फेंट लेंगे। इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। तो ये देखिए, दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने जो ये बूंदी भिगा कर रखी थी ये हल्की सी नरम भी हो गई है और इसमें पहले से ही नमक था। अगर नमक नहीं आप तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। और इसको हम इसमें पानी से ही मिक्स कर देंगे। इसको हम हल्का से एक बार फिर से चला लेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार काला नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा घटा या बढ़ा सकते हैं। और लगभग 1/3 चम्मच इसमें हमें भुना हुआ जीरा डालना है। यह हमने भुना हुआ जीरा ले लिया है। अब हम इसे इसमें मिला देंगे। इसमें हमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने होते हैं। अगर आप रायते मतलब रायता यानी कि बूंदी के रायते में ज़्यादा मसाले डालेंगे तो टेस्ट बहुत बेकार आने लगेगा। आप इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा आपका बूंदी का रायता बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो रायते में तड़का भी लगा सकते हैं। तड़का लगाने के लिए आप थोड़ी सी राई लें, लगभग 1/2 चम्मच, और 1 से 1.5 चम्मच तेल में आप उसको तड़का लें, मीन्स गरम कर लें और राई को इसमें डाल दें तो इसमें तड़का लग जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालें। मैंने लगभग यहाँ पे 1/3 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है। और आखिरी में हम इसे थोड़े से हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो रायता है बूंदी का रायता कितना अच्छा दिख रहा है और ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई ज़रूर करिए। ये गर्मियों में खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।